लिखो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स मान लेते हैं। इस चार्ज का, इसका चार्ज है Q1 और इसका है Q2। मान लो अभी के लिए दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्या होता है जब दो चार्ज पार्टिकल्स को हम रख देते हैं किसी डिस्टेंस पे, से इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो दोनों एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाले पे सेकंड वाला कोई फोर्स लगा रहा होगा और सेकंड वाले पे फर्स्ट वाला कोई फोर्स लगा रहा होगा, और दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पता है क्या करेंगे, रिपल। देखो रिपल्शन और अट्रैक्शन तो हमें पता है ना, तो वो तो तुम निकाल लोगे। तो ये जो फोर्स लगता है, जो कूलम्स फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका डायरेक्शन सबसे पहले तो ध्यान रखना, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। मतलब अगर मुझे फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको रीड कर लोगे, ये सिखाया गया है ना। V12 को कैसे रीड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो मुझे पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज के कारण फोर्स निकालना है ना, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये फोर्स लगेगा तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, ये हमेशा दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। मतलब या तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्लियर है क्या, इसके पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। अब देखो, अब इधर लगेगा या इधर लगेगा ये कैसे डिसाइड करें, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल कर रहे होंगे, रिपल कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो ये चार्ज बताओ इधर जाएगा या इधर जाएगा, यहाँ जाएगा ना। मतलब फोर्स किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये आ रहा है समझ में, जो Q1 पे फोर्स किधर लगेगा, 2 वाला 1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों रिपल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दूर भगाना चाह रहे हैं। तो 1 वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ में आ रहा है। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट से मैं बोल सकता हूँ कि 2 वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्लियर है, पहले तो डायरेक्शन क्लियर हुआ क्या, दोनों पे तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो इस तरीके से, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पहला लॉ, और दूसरा अट्रैक्शन रिपल्शन, वो तुम देख लोगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। डायरेक्शन निकालना आया क्या, सबको क्लियर है, मैं लिखवा दूंगा अभी इसको, है ना, ठीक है। तो फोर्स क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना सीख लिया, अच्छा सबको आया डायरेक्शन निकालना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप। तो ये कूलम्स लॉ तुम्हें बताता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो भाई ये मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा होता है वो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो फोर्स होता है, जो तुम्हारा कूलम्स फोर्स होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, उतना ज़्यादा फोर्स होगा। एंड दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब उनके बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस करोगे फोर्स उतना कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और ये जो के है वो तुम्हारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो के होता है उसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 9 × 10⁻¹। जल्दी से भाई मैग्नीट्यूड बताओ के का, के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब सॉरी यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। और एक्चुअली के को हम इस तरीके से लिखते हैं, के जो तुम्हारा होता है वो होता है 1/4πε₀, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 4 और पाई तो तुम्हारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है फिर, ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है सबसे पहले तो बताओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट। इतना लगाओ जल्दी फटाक से और मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताओ? एम, ठीक है चेक करते हैं ना ये सही है नहीं। तो सबसे पहले इसके यूनिट को बताएं, फंडामेंटल्स में कन्वर्ट करो, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड और एम्पियर। तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया गया है? ठीक है, तो क्या है अपने पास? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम को क्या ले सकते हैं? एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? देखो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड पावर फोर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी फोर और ए टू। तो ये सही है ना? हाँ अच्छा, इसमें ये होता क्या है, मतलब परमिटिविटी होती क्या है? तो ये जो परमिटिविटी है, ये जो मीडियम होता है ना, जैसे वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करती है। ठीक है, इसका मतलब और ज़्यादा वे में क्लियर हो जाएगा जब एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर पे जाएंगे ना, वहाँ पे हम और भी मीडियम्स की परमिटिविटी देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ फ्री स्पेस की देखी है, पर ऐसी दो चीज़ें होती हैं, एक परमिटिविटी होती है, दूसरी परमिएबिलिटी होती है। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके ना, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये सब क्लियर है, ये सब याद होना चाहिए, के के की वैल्यू याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा, है ना? तो ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको रख के 1/4πε0 रखोगे तो ये बन जाएगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू तो निकाल लिया, पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो भी बिल्कुल सेम होगा, के क्यू वन क्यू टू वाई आर स्क्वायर। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, समझ रहे हो? चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है पर फिर भी उन पे फोर्स सेम लगता है। तो ये जो दो फोर्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। और वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? माइनस, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन, समझ रहे हैं? माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। लिखो इसे फटाक से, चलो ले लेते हैं यहाँ पे। प्लस 5 कूलम ले लो और माइनस 2 कूलम ले लो। पहले तो लाइन बनाओ जो इनको ज्वाइन करती है। अब बताओ इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो 5 वाले पे यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? अट्रैक्टिव मतलब खींच रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को, तो इस वाले पे यहाँ लगेगा और इस वाले पे, तो अपोजिट है क्या? अभी भी डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट होगा। अरे न्यूटन का थर्ड लॉ भी कुछ होता है भाई। चलो अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कूलम्स के बारे, कूलम्स लॉ के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखो, देखो कूलम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लेना। पहला पॉइंट लिखो, कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द बोथ चार्जेस इज सेम। थर्ड लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट ऑन बोथ द चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट ऑन बोथ द चार्जेस। बताओ इन तीन पॉइंट्स में कोई डाउट है क्या? यही समझा था वही लिखा है हमने, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ डाउट है तो। देखो पॉइंट्स 2 और 3, पॉइंट 2 क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है दोनों पे। पॉइंट 3 क्या बोल रहा है? डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं?
ये बता रहे हैं कि ये जो कूलम्स फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो लिखो, एक नोट लिख लो नीचे, पॉइंट टू एंड थ्री आर इन अकॉर्डेंस टू द न्यूटन थर्ड लॉ। अब तुम्हें पता ही नहीं हमने कितनी बड़ी चीज़ लिख ली अभी। देखो भाई, न्यूटन ने दिया था ये 1600 में, 17th सेंचुरी में दिया था लॉ। उस समय एक ही तरह का फोर्स पता था, ग्रेविटेशन, और वो खुद न्यूटन ने बनाया था। तो वो फोर्स तो सेटिस्फाई करेगा ही न्यूटन का थर्ड लॉ, ये न्यूटन ने ही क्रिएट करा है, समझ रहे हो। और उसके अलावा जो नॉर्मल जो तुम्हें फोर्सेस बताते हैं, नॉर्मल टेंशन वगैरह, उस वक्त हमको नहीं पता था ये फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, है ना। हम इनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझते थे कि नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो ये सारे भी सेटिस्फाई करते थे ना न्यूटन के थर्ड लॉ को। पर समझो, ये एक नए तरह का फोर्स आया जो कूलम ने दिया था, ठीक है। तो अब कूलम ने जब ये फोर्स बनाया तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे, ये करे वो करे, ये बिल्कुल नए तरह का फोर्स है ना, इनके बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, बिना कॉन्टैक्ट के लगता है ये फोर्स। खैर, ग्रेविटेशन भी बिना कॉन्टैक्ट के लगता था। तो ये नए तरह का फोर्स हमारे सामने आया और वो फोर्स भी न्यूटन के लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो समझो, दुनिया में भी कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, चार तरह के ना, बता भी रहा हूँ, चार तरह के फोर्सेस होते हैं। पहला ग्रेविटेशन था, वो न्यूटन ने खुद बनाया, तो वो तो करेगा ही न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई, है ना। तो ये बनना, या तो अगर नहीं करता तो या तो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं देता या फिर ग्रेविटेशन वाला फोर्स नहीं देता, तो वो तो कर ही रहा था भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दूसरा फोर्स आया दुनिया के सामने, कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर मैग्नेटिक भी आएगा, फिर मैक्सवेल इनको कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर देगा, वो फोर्स भी सेटिस्फाई करा हमने देखा, ठीक है। वो फोर्स भी क्या कर रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद दो और आएंगे जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड न्यूक्लियर वीक फोर्स, सारे फोर्सेस सेटिस्फाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक है Q1, यहाँ कहीं पर है तुम्हारे पास Q2, ये मान लो ये दोनों पॉजिटिव है ना, और मान लेना हम जो Q1, Q2, Q3 नंबर लिखते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और Q3 ये मान लेते हैं नेगेटिव है, तुम्हारा Q3 ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस Q3 क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। ये तीन चार्जेस हैं, तो मैं मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो जब मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में इन दोनों के कारण फोर्स निकालूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे Q3 है या नहीं। मतलब जब मुझे इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फोर्स निकालना है, उसको दुनिया के किसी और चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो इस पे क्या आ जाएगा भाई, Q1 पे क्या आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कैसा आएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और यहां पे क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो जैसे पहले लग रहा था वैसे ही अभी लग रहा है, मतलब Q3 हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस फर्क इतना सा हो जाएगा कि अब Q3 के कारण, देखो इन दोनों के इंट्रैक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस फर्क इतना हो जाएगा कि Q3 के कारण भी इन दोनों पे फोर्स लगने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे Q3 आ गया है, तो अब क्या होगा कि 1 पे 3 भी तो फोर्स लगा रहा होगा, और क्या करेगा वो, अट्रैक्ट या रिपल, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ऐसा लगने लगेगा, और 2 पे भी लगाने लगेगा वो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। हम ये नहीं बोल रहे कि नेट फोर्स चेंज नहीं करेगा, ऑब्वियसली और चार्जेस आएंगे तो एक्स्ट्रा फोर्सेस लगेंगे तो नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, पर इन दोनों पार्टिकल में आपस में पहले जो फोर्स लग रहा था, इनके आपस का फोर्स, इनका म्यूचुअल फोर्स वही रहेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। इस पे कैसे फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन, इनमें से एक्शन रिएक्शन वाले कौन से पेयर्स हैं, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, नहीं है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों, ये और ये, लिख लो जल्दी से, बना लो भाई। तो ठीक है, कूलम्स फोर्स के बारे में ये चार चीजें हमको ध्यान में रखनी है। चलो एक आध क्वेश्चंस करते हैं, तो हम इस कंसेप्ट पे कर रहे हैं कि दोनों पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं।
देखो मान लो 10 कूलम है, इसका मास है 2 किलोग्राम, यहाँ पर कितना है 5 कूलम ले लो, इसका मास है 3 kg। टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं तुमको, दोनों के दोनों पार्टिकल्स रेस्ट पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व किया, से किसी टी इक्वल टू टाउ टाइम पे हमने ऑब्जर्व करा कि 2 kg वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया टी इक्वल टू टाउ टाइम पे ना, और तुम्हारा 3 kg वाला पार्टिकल कहीं यहाँ चला गया। हमने देखा 3 kg वाला पार्टिकल 2 m/s की स्पीड से मूव कर रहा है, और जो 2 kg वाला पार्टिकल था वो कुछ b m/s की स्पीड से मूव कर रहा है। फाइंड b। मैंने तुम्हें t इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन बता रखी है और फिर t इक्वल टू टाउ पे सिचुएशन बता रखी है। फाइंड v। सही है क्या? बैठो सही है। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, सिस्टम किसको मान लो, सिस्टम तो मान लो दोनों पार्टिकल्स को आपस में सिस्टम मान लो, Q1 एंड Q2 को हमने सिस्टम मान लिया। तो देखो सिस्टम पे जो भी फोर्स लग रहा है वो आपस में म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जब उन दोनों को हमने सिस्टम मान लिया तो वो फोर्स तो इंटरनल फोर्स है। मतलब क्या है इसका कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, और जब भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तुम कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, दोनों रेस्ट पे। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ भाई, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, एम इंटू वी वन, एम वन वी वन, और ये क्या हो जाएगा एम टू वाला पीछे जा रहा है तो माइनस एम टू वी टू। तो इससे क्या निकल के आया तुम्हारा, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। मैंने फर्स्ट वाला इसको बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला इसको बोल रहा हूँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए उसकी वेलोसिटी अब नेगेटिव मिली है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो m1 कितना है तुम्हारा 3 और v1 2, m2 कितना है 2, तो v2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, v2 is v है ना, तो v कितना आ गया तुम्हारा 3 m/s। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कूलम फोर्स का कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना पड़ा है ना, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो गया। आगे बढ़ते, मिटा दूं। ठीक है, हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ना, और कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन में करने वाले ना, 5-6 तरह के कॉम्बिनेशन में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैथमेटिक्स। हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज हो रही है, हमारा कूलम से लो यूज होगा, फिजिक्स का क्या है कूलम से लो, और बाकी तुमने मैथ्स में जो भी पढ़ा हुआ है वो सब कंसेप्ट यूज होंगे। पहला क्वेश्चन, दो पार्टिकल्स है, दो चार्ज्ड पार्टिकल्स है Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है L, L इज ए कॉन्स्टेंट, आप इस डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, ये डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट। पर तुमको ये दिया हुआ है ये जो Q1 है और Q2 है ये दोनों वेरिएबल है, ये तुम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो लेना चाहो ले लो। समझ में आ रहेगा? तुम चार्ज जो देना चाहते हो दे लो, बस इतना ध्यान रखना कि इन दोनों का जो सम होगा वो कुछ कैपिटल क्यू है विच इज ए कॉन्स्टेंट। तुम चार्जेस कुछ भी ले सकते हो Q1 और Q2 पे है ना, बस इतना ध्यान रखना कि उसका जो सम है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, समथिंग कैपिटल क्यू। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 सच दैट मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 सो दैट मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। नहीं, एक कंडीशन और गिवन है तुम्हें कि Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिव, ये कंडीशन और गिवन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम से तो तुम कर ही लोगे,
हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं भाई, मैथ्स का क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय एल स्क्वायर, ये फिजिक्स है, बाकी सारी मैथ्स है। सो मैथ्स का मैं कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो क्यू वन क्यू टू का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू वन क्यू टू रूट ऑफ क्यू वन क्यू टू ना, ये आ रहा है। तो क्यू वन प्लस क्यू टू को तुम क्या लिख सकते हो, तुम्हें पता है ये सम हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट। तो तुम लिख सकते हो कि कैपिटल क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर क्यू वन क्यू टू, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर क्यू वन क्यू टू, है ना, ये सही है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमें को इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, और ये बता रहे कि फोर्स इज लेस देन दिस, तो हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, फोर को नीचे ही रखो, इस फोर को नीचे ही रखो, इसमें क्या करो अब तुम के वाई एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो के वाई एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो ये तुम्हारा बन गया के क्यू बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय एल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ बस मैंने के वाई एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा है और कुछ भी नहीं करा, समझ गए? आगे ये क्या है तुम्हारा, कूलम्स फोर्स, इसी को तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना था। अरे यही तो कूलम फोर्स है, तुमने लिखा था ना दो पार्टिकल के बीच का कूलम्स फोर्स क्या होगा, ये होगा के क्यू वन बाई क्यू टू बाई एल स्क्वायर, वो लिख दिया। और ये चीज क्या बोल रही है कि ये जो कूलम फोर्स है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग, मतलब जो इस डायरेक्शन में जो चीज है वो है क्या तुम्हारी, वो कूलम्स फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और वो क्या निकल के आ रहा है, के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, मतलब दिस इज द मैक्सिमम, ये समझ में आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम्स फोर्स। और इसका जरा एक्सप्रेशन देखो, वो क्या बोल रहा है, क्यू वन और क्यू टू को क्या ले लो, क्यू बाई टू, वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ये वाली चीज चाहिए इस मैक्सिमा के लिए, क्यू वन और क्यू टू क्या होने चाहिए, कैपिटल क्यू बाई टू, ये हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उस समय मैक्सिमम फोर्स आएगा उसकी वैल्यू ये होगी, और बाकी तो मैक्सिमम ही नहीं है, वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पे Q2 को लिख देना कैपिटल Q माइनस Q1 लिख दोगे, है ना, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देना Q1 से, इक्वेट टू जीरो करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये दूसरे मेथड है मैक्सिमम मिनिमा से। ठीक है, कुछ सीरीज पे भी कर लेते ना, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज वाले आ जाते हैं। मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये वन मीटर है, ये टू मीटर है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये हंड्रेड मीटर। एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने वन कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पर वन कूलम रख दिया, यहाँ पे एट कूलम रख दिया, थ्री मीटर पे मैंने ट्वेंटी सेवन कूलम रख दिया, फोर मीटर पे मैंने सिक्सटी फोर कूलम रख दिया, हंड्रेड मीटर पे कितना रखूँगा, अरे टेन मीटर ले लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कितना रख दूँ तुम्हें पता ही है, थाउजेंड किलो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट ओरिजिन, मतलब इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ये पूछ रहा हूँ मैं, बाकी सारे चार्जेस कितना। करो भाई फटाक से, देखो एस सी वर्मा के स्टार्टिंग के तीन चार एग्जांपल कर लेना, और स्टार्टिंग के लगभग 20 प्रॉब्लम्स कर लेना एक्सरसाइज के, तुम देखोगे ना तो समझ जाओगे, कूलम्स लॉ पे जितनी भी है वो सारी करना है तुमको। ठीक है, देखो भाई तो इस वाले पे मुझे चार्ज फोर्स निकाल लेना, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, वन वाला लगाएगा, टू वाला लगाएगा, थ्री वाला लगाएगा, और जितने भी हैं टेन तक, ये दस फोर्स लग रहे होंगे इस पे ना, इन दस चार्जेस के कारण दस फोर्स लग रहे होंगे, इन सबका सम निकालना पड़ेगा, और सभी इस डायरेक्शन में लगेंगे क्योंकि सभी इसको रिपल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो निकालते भाई नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री सो ऑन एफ टेन। एफ वन कितना है जल्दी बताओ इन दोनों के बीच का, के वन इंटू वन, अच्छा ये सब समझ में आ रहा है ना, ये वन क्यूब है, ये टू क्यूब है,
ये 3 क्यूब है और ये 10 क्यूब है, ठीक है। तो 1 × 1 / 1 का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1, k³ q² / r² को लगा रहा हूँ मैं, प्लस k × 1 × 2 क्यूब इनके चार्जेस q₁ q₂ / इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस k × 1 × 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या आ जाएगी पैटर्न, k 1 × 10³ / 10 का स्क्वायर। तो हर जगह देखो नीचे वाले ऊपर वाले को काट रहा है ना, 3² से 3 क्यूब और 10² से क्यूब। तो नेट फोर्स क्या बच रहा है तुम्हारे पास, k को कॉमन लिया 1 + 2 + 3 + so on + 10। तो फर्स्ट 10 इंटीजर्स का सम पूछ रहे हैं कितना होता है, n × n + 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 × 11/2, तो 55 k न्यूटन। यूनिट क्या होगा, कूलम्स मत लिखो है ना, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। देख लो आसान सा क्वेश्चन है। चलो वैसे ही क्या कर देंगे, यहाँ पे इनको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 1 कूलम यहाँ पे क्या आएगा -10। करो सॉल्व, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट ओरिजिन। क्वेश्चन क्लियर है? क्या सीरीज बन रही है? एक खतरनाक वाली सीरीज होती है एक, मतलब ऐसे खतरनाक नहीं है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, इसको इन्फिनिटी तक लो इस वाली सीरीज को ना, इन्फिनिटी तक आएगी है। 11 पे -11 है, 12 पे मतलब +12, फिर हाँ +11 -12, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है वाली सीरीज। बताओ कौन सी सीरीज है ये? तो ये तो समझ गए, फिजिक्स का क्वेश्चन तो है ही नहीं। फिबोनाची कैसे दिख रही है, मतलब किस तरह से दिख रही है फिबोनाची, पता है ना, उसमें फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके आगे बढ़ते जाते हैं। ये वाले ये बोल रहे हो कुछ ऐसा, a + d² a + 2d³, इसको बोलते हैं AGP, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम a + d बोल रहे हो, इसको a + 2d² इसको बोलते हैं AGP। क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, a + ne² अरे तुम आरत टर्म बोलो, आरत टर्म क्या होता है इसका, a + rd × e⁻ r, ये बोलना चाह रहे हो पक्का, यही होती है, कुछ भी फर्जी तो नहीं बता रहा। यही है ना बाकी फॉर्मेट, मतलब इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं फिर, इसका कोई नाम नहीं है, इसको क्यों नहीं बोल सकते AGP भाई, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, ऊपर से GP भी होती जा रही है, क्यों नहीं है GP? ऐसे तो इसमें भी कांस्टेंट नहीं था, रेशो तो नहीं था, a + d × e और a + 2d × e² कहाँ से रेशो कांस्टेंट है बताओ। अगला टर्म लो a + 3d × e³, इसको इससे डिवाइड करो, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस, रेशो तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो लॉजिक तुम जिस लॉजिक से तुम इसको गलत बोल रहे हो उस लॉजिक से तो ये भी गलत है, बकवास कुछ भी। चलो ठीक है इसको करते हैं ना, तो नेट फोर्स कितना होगा भाई बताओ, f₁ + f₂ + f₃ and so on f∞ तक। f₁ कितना होगा, k₁ × 1/1² + k₁ × -2/2² + k₁ × 3/3² + k₁ × -4/4² यही आ रहा है, देखो सभी को क्लियर है?
ठीक है, तो इसमें k को कॉमन ले लेते हैं, तुम्हारा क्या आ रहा है, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/, तो बताओ जल्दी से कौन सी सीरीज है ये। सम बताओ, सम बताओ, सम बताओ तुम। क्या होता है ln 1 प्लस x की सीरीज का एक्सपेंशन? अरे भाई x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4/4 प्लस x पावर 5/5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। x को क्या ले लें यहाँ पे हम, x को 1 ले लो, तो ln 2 कितना हो गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 बन रही है हमारी वाली, प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/5, लो बन गई ना। तो आंसर कितना आ गया, नेट फोर्स कितना है, के इंटू एल एन टू न्यूटन। तो देखो भाई इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है ना, ये जो सीरीज वगैरह पढ़ते हो, ये दिखे ऐसी खतरनाक सी सीरीज रही थी, पर इसका देखो समय एल एन टू आ रहा है, तो ये कन्वर्जिंग सीरीज है, एल एन टू पे कन्वर्ज कर रही है, ये पढ़ा है ना ये, तो तुम लोगों को सीरीज एंड एक्सपेंशन अभी नहीं पढ़ाया गया है, मतलब सिक्वेंस एंड सीरीज बोल दो, नहीं पढ़ाया, तो इसमें ये सीरीज नहीं पढ़ाई, ये तो यार बहुत ही फेमस सीरीज है और ये बहुत यूज़ भी होती है मैथ्स में, ई पावर एक्स पढ़ाई है, तो तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, वो चैप्टर फिर अभी आएगा। ई पावर एक्स तो मतलब समझ लो, मतलब आती जाती रहती, कभी भी आ जाएगी ई पावर एक्स, तो ध्यान रख लेना, ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस, अब समझ गए, समझदार हो, ये दो तो याद ही रखो, e पावर x और ln ऑफ 1 प्लस x की।